मोनिका पटेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक बैटर ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने मार्च 2021 से भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम मोनिका चेलाराम पटेल है और इनका जन्म 26 अप्रैल 1999 बेंगलोर कर्नाटका भारत में हुआ। इनके पिता का नाम भारत पटेल और इनकी माँ का नाम उषा पटेल है और इनकी एक बहन भी है। वर्तमान में जो इनका गृह निवास है वो है बेंगलोर कर्नाटका भारत। मोनिका पटेल बाएं हाथ की बैटर और बाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बैटर ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 27। मोनिका पटेल की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर, वनडे में इनकी कैप नंबर है 128। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 7 मार्च 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला और T20 आईओ टेस्ट मैच में अभी डेब्यू करना इनका बाकी है। मोनिका पटेल डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में कर्नाटका टीम से, सुपरनोवा टीम से, गुजरात जायंट्स WPL से और इंडिया बी वुमेन से खेली और खेलती हैं। मोनिका पटेल ने अपनी स्कूली पढ़ाई DAB पब्लिक स्कूल बेंगलोर से की और कर्नाटका यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। मोनिका पटेल भारत की एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक कुशल बल्लेबाजी ऑलराउंडर के रूप में अपना नाम बनाया। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और जल्द ही क्रिकेट के लिए अपनी स्वाभाविक प्रतिभा दिखाई और 2016 में कर्नाटका महिला टीम के लिए स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया और 2016 में मोनिका पटेल ने 50 ओवर के अपने पहले मैच में कर्नाटका महिला टीम के लिए खेलते हुए 45 रन बनाकर तुरंत अपना प्रभाव कोचेस पर डाला और जल्द ही खुद को टीम में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। और मोनिका पटेल कई घरेलू मैचों और टूर्नामेंट में खेलते हुए कर्नाटक महिला क्रिकेट टीम की नियमित सदस्य बनी और टीम की कई जीतों में अहम भूमिका निभाई और 2019 में अंडर 23 एक दिवसीय टूर्नामेंट में दिल्ली के खिलाफ 143 रनों का पीछा करते हुए मोनिका ने 43 रनों की शानदार पारी खेली। मोनिका पटेल ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में साबित किया जिसकी बदौलत 7 मार्च 2021 को लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनको अपने वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करने का मौका मिला। फिर WPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2023 के फर्स्ट एडिशन में मोनिका पटेल को 50 लाख रुपए में गुजरात जायंट्स टीम में खेलने के लिए चुना गया जहां इन्होंने अपना WPL डेब्यू मैच 4 मार्च 2023 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जिसमें इन्होंने 10 रन बनाए। दोस्तों मोनिका पटेल को इंटरनेशनल लेवल पर अभी अपने आप को बेहतर खिलाड़ी के रूप में साबित करने की जरूरत है तो हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि भारत के लिए अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे टीम नेशन तमाशा@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।